Everyone, to to start करते हैं आज का थिंकर विच इज हर्बर्ट मीड अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए इनका तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट नितिन सागवानी पे मिल जाएगा इस वीडियो में भी हम इनके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा इनकेस यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हैं करंट क्रं फोर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले ये इरेज कर देते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शिकागो स्कूल को बिलोंग करते थे अमेरिकन फिलोसोफर एंड सोशलोसोशोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है ठीक है तो इन्होंने कहीं ना कहीं सोशलॉजी और साइकोलॉजी रिलेटेड बातें थी उसको पुट uh, फॉरवर्ड किया अपनी थियरीज के थ्रू ही रिजेक्टेड बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बींगस तो बिहेवियरिस्टिक व्यू आपको क्या कहता है कि इंसान जो है वो सिंपली रिस्पॉन्ड करता है टू द एक्सटर्नल टू रिस्प टू एक्सटर्नल स्ट्यूमिलाई लेकिन ये इस चीज पे बिलीव नहीं करते थे ये कहते इंसान का जो बिहेवियर है वो लर्नड बिहेवियर होता है ठीक है और वो सोच समझ के रिस्पॉन्ड करता है वो सिंपली एक्सटर्नल स्ट्यूमिलाई को देख उस पर रिएक्ट नहीं करता है सोशल साइकोलॉजिकल थीरी इनकी थीज को बोला जाता है क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट भी आपको मिलेगा और सोशलॉजिकल आस्पेक्ट भी मिलेगा इसलिए इनको सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों बोला जाता है साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म पे बिलीव करते थे जैसे मैंने अभी कहा इन्होंने कहा था जो भी ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस होते हैं या बिहेवियर होता है वो लर्न होता है और जो ह्यूमन बींग्स है वो फोकस करते हैं कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ह्यूमन एक्शंस पे

सिंबॉलिक इंटर उसकी आपको लिंक ऊपर मिल रही होगी वो आप क्लिक करें और इन डिटेल वीडियो आप सिंबॉलिक इंटर पे पर वहाँ पे देख सकते हैं सोशल ग्रुप अच्छा विल कम टू दिस लेटर पहले हम जेस्टर्स एंड सिंबल्स की बात करते हैं तो इनका क्या मानना था कि सोशल एक्ट का एक बेसिक चीज़ क्या होता है किसी भी सोशल एक्ट का बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है आपका जेस्चर किसी को जेस्चर करना ठीक है अब ये जेस्चर जो है ये डिफरेंट होता है ह्यूमन जो जेस्चर करते हैं उससे उसको हम सिग्निफिकेंट जेस्चर बोलते हैं ये कैसे डिफरेंट होता है सिग्निफिकेंट जेस्टर क्या होता है जो एक्टर को कुछ सोचने पे मजबूर करेगा रिएक्ट करने से पहले वो थिंकिंग इन्वॉल्व होगी एक्टर के बिहाफ पे थिंकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्टर ठीक है तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट जेस्टर जो कौन करते हैं ह्यूमंस करते हैं जेस्टर्स तो नहीं तो आप एनिमल्स को भी रिलेट कर सकते हो जेस्टर्स से जेस्टर यू नो उसका लिटरल मीनिंग पता है आपको वो एनिमल्स भी एक दूसरे को जेस्टर दिखाते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट जेस्टर कैसे डिफरेंट होता है वो एक्टर को कुछ सोचने पे कुछ प्रोसेस करने पे उसको मजबूर करता है ठीक है तो उसको सिग्निफिकेंट जेस्टर बोलते हैं तो ये जो सिग्निफिकेंट जेस्टर है ये सिग्निफिकेंट सिम्बल बनता है सिग्निफिकेंट सिम्बल ये सिग्निफिकेंट सिंबल कब बनता है जब कोई भी जेस्टर एलिसिट करता है रेस्पॉन्स इन द एक्टर elicit responses या response in the act अब आप बोलोगे ये क्या हुआ ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसकी क्या एग्जाम्पल है अगर आप किसी को वेव करते हो आप वेव कर रहे हो हेलो आप उसको हाथ दिखा रहे हो हेलो बोल रहे हो तो ये जो आपने जेस्चर दिया सिग्निफिकेंट जेस्चर दिया एक्टर को ये एक्टर के अंदर एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा वो आपको आगे से कोई डेड लुक तो नहीं देगा ना वो भी आपको हेलो बोलेगा वो भी आपको हाथ दिखा के हेलो वेव करेगा आपके जेस्टर ने एलिसिट किया रेस्पॉन्स एक actor में. आपने उसको हाँ, हलो दिखाया दूर से उसने भी आपको वेव किया. आपने उसको वेव किया, हलो उसने भीव किया तो उसने एक रेस्पॉन्स एलिसिट किया इसको हम सिग्निफिकेंट सिम्बल बोलते हैं फाइन और उन्होंने कहा था जो वोकल जो को आगे इस पे देखते हैं सिग्निफिकेंट सिम्बल्स हो गया ये जेस्टर्स इन सिम्बल्स वाली बात फिर सिग्निफिकेंट सिम्बल सेट ऑफ वोकल जेस्टर्स Likely to become significant symbols, उनको हम language बोलते हैं Vocal gestures जो आप बोल के gesture करते हो ठीक है वो set of language भी आपकी एक type of gesture ही है लेकिन vocal category में आएगा आपने वो बोल के पूरा करते हो जो वो वाले वोकल जेस्टर्स जो सिग्निफिकेंट सिंबल्स बनते हैं दैट मींस वो थिंकिंग एक्टर में डालते हैं कि वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करे उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं और लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे सारे सोशल प्रोसेस की जो बेसिक है वो लैंग्वेज है अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ जब तक मैं एक लैंग्वेज ना यूज करूँ जो जिसमें कोई मीनिंग है तो आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे तो लैंग्वेज सिग्निफिकेंट uh, जेस्टर्स सिग्निफिकेंट सिंबल्स ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मीड के ठीक है अब सेट ऑफ वोकल जेस्टर्स लाइकली टू बिकम सिग्निफिकेंट सिंबल इज मीन्स हर वोकल जेस्टर जो है वो सिग्निफिकेंट सिम्बल नहीं बनता है वो कौन से वोकल जेस्टर्स फॉर एग्जाम्पल ग्रंटिंग जो हम करते हैं या आप सिंपली किसी को ऐसे रिस्पोंड करो जैसे हम मूसे से आवाज निकालते हैं हाँ करके बोलते हैं किसी को तो वो सिग्निफिकेंट सिंबल नहीं होता है जरूरी नहीं वो एलिसट करे दूसरे में कोई रिस्पॉन्स ठीक है तो वो लैंग्वेज uh, कैटेगरी में नहीं आता है फाइन सिग्निफिकेंट सिंबल्स क्या होते हैं जो एलिसिट करते हैं रिस्पॉन्स एक्टर में ठीक है अगर आप मेयरली ग्रंट करोगे या वो हम वाला किसी को एक्शन दिखाओ वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो uh, कोई रिस्पॉन्स जो है दूसरे एक्टर में एलिसिट करे कोई रिस्पॉन्स जनरेट करे ठीक है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिग्निफिकेंट सिंबल बने फाइन यहाँ पे हमने यही बात कही थी ना कि जो जेस्चर है वो सिग्निफिकेंट सिंबल बनता है तो हर जेस्चर जरूरी नहीं सिग्निफिकेंट सिंबल बने अब जो वो वोकल जेस्चर्स वो वोकल जेस्चर्स जो सिग्निफिकेंट सिंबल बनते हैं जरूरी उनको हम बोलते हैं लैंग्वेज और लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है इनकी थियोरी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज इनकी थ्योरी का बेसिक बुनियादी हर सोशल प्रोसेस का आपको लैंग्वेज ही माना जाता है क्योंकि लैंग्वेज के बिना कल्चरल ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है अब यहाँ पे आते हैं वापस सोशल ग्रुप कम्स फर्स्ट विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस मेंटल स्टेट्स अच्छा इससे पहले हम सेल्फ एंड माइंड देखते हैं तो इन्होंने हमें सेल्फ एंड माइंड की भी बातें बताई थी तो इनके लिए सेल्फ क्या होता है ये एक एबिलिटी है एबिलिटी टू बी बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इसका क्या मतलब हुआ ये वो चीज़ है जो इंसान को रिफ्लेक्सिवली या रिफ्लेक्सिव एक्शन या रिफ्लेक्सिवली सोचने पे मजबूर करती है रिफ्लेक्सिवली क्या हुआ कि आप क्या करते हो अनकॉन्शियसली यू पुट योर सेल्फ इन टू अनदर प्लेस अनदर्स प्लेस ठीक है और आप वैसे बिहेव करते हो जैसे वो आपको एक्सपेक्ट करेगा बिहेव करने के लिए उसको हम रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं ठीक है रिफ्लेक्सिव एक्शन तो ये इनकी जो सेल्फ uh, की डेवलपमेंट था उसका आप इसको कोर अप्रोच बोल सकते हो बेसिकली एबिलिटी है टू पुट आर अनकॉन्शियसली इन टू अदर्स प्लेस और एक्ट करना एज दे एक्ट ठीक है टू पुट आर अनकॉन्शियसली टू पुट आर सेल्स

खुद तो आप सब्जेक्ट हो ही जो आपके एक्शन है वो सब्जेक्टिव है क्योंकि आपने उनको कोई मीनिंग दिया है ठीक है वो आप एक्ट कर रहे हो सोच समझ के तो सब्जेक्ट आप हो एंड देन आप ऑब्जेक्टिवली भी खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो आप अपने एक्शन को आउटसाइड ऑफ यू रख के इवेलुएट कर रहे हो आउटसाइड ऑफ यू ठीक है आप उसको अपने बाहर रखे कि क्या मैंने काम सही किया या नहीं किया आप अपने एक्शन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो ठीक है आपको आप पता है कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए बाकी लोग आपसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आपको फीलिंग आती है हाउ टू बिहेव ठीक है तो उसको हम डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ बोल रहे हैं तो इट इज द एबिलिटी टू बी बोथ सब्जेक्ट जो आप हो एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने एक्शन को को रिफ्लेक्सिवली रिफ्लेक्सिवली जो है उन उन पे उस करना पे करना उसको उसको समझना कीपिंग आउटसाइड ऑफ यू होब्जेटेक्सिवलीवैल खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो फिर सोच रहे हो नहीं ये काम मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था ये काम मुझे ऐसे करना चाहिए था अपने एक्शन को वैसे करके इवेल्युएट कर रहे हो इसी को बोला जाता है खुद को इवेलुएट करना बोथ ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दैट मीन्स अगर आप सेल्फ पे फोकस करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कंडीशनिंग हो रही है कि सोसाइट में आपको कैसे बिहेव करना है आप अपने एक्शन सोच समझ के करते हो ऐसा नहीं जो मर्जी आएगी वो करोगे ठीक है जब आप डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आपकी हो रही होती है आप सोसाइटी के अच्छे मेंबर जो है वो बनना शुरू हो रहे होते हो इसीलिए बोला जाता है सोशल ग्रुप कम्स फर्स्ट विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस मेंटल स्टेट्स ठीक है सेल्फ कॉन्शियस तो अब क्या आ गया आप सेल्फ रिफ्लेक्टिवली ख़ुद को ऑब्जर्व करते हो और एक्ट करते हो जैसे लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे एक्ट करना दैट वो लोग कौन हैं जो सोसाइटी के पार्ट हैं तो कहीं ना कहीं सोशल ग्रुप पहले आता है जिस तरीके का आपका सोशल ग्रुप है उस तरीके का आपका सेल्फ बनता है जो आपकी सोसाइटी में सही चीज़ नहीं मानी जाती है आपका सेल्फ उस एक्शन को इवेल्यूएट करेगा नहीं ये एक्शन सही नहीं है मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सोसाइटी में र्यूडनेस को र्यूड होने को या आर्ग्यू करने को एल्डर्स के साथ बुरा समझा जाता है ठीक है वो आपकी सोसाइटी है तो अगर आपका दिल भी करेगा आर्ग्यू करने का लेकिन आपका जो सेल्फ है वो आपको अलाउ नहीं करेगा आर्ग्यू करने के लिए आप वो आर्ग्यू नहीं करोगे वो आपको अलाउ नहीं करेगा आर्ग्यू करने के लिए क्योंकि सोशल ग्रुप कम्स फर्स्ट वो कंडीशनिंग सोशलाइजेशन हो गई है कि सोसाइटी में आर्ग्यू करना एल्डर्स के साथ अच्छी बात नहीं है तो अकॉर्डिंगली आप बिहेव करना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं है पहले दिमाग आया पहले मेंटल स्टेट सेल्फ डेवलप हुआ उसके बाद सोशल ग्रुप आया सोशल ग्रुप कम्स फर्स्ट विच लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस मेंटल स्टेट अभी स्टेटमेंट क्लियर हो गई आगे चलते हैं सेल्फ जो है इट इज डायलेक्टिकली डायलेक्टिकली रिलेटेड टू माइंड अब देखो यहाँ पे माइंड भी आ गया एक तो आपका ब्रेन होता है जो लेके आप पैदा होते हो ठीक है उसके बाद आपका माइंड डेवलप हो जाता है माइंड और ब्रेन अलग है माइंड है जब आपके अंदर जो सेल्फ है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है उसके बाद आप बोलते हो कि मेरा माइंड जो है वो डेवलप हुआ है ठीक है आप माइंड पहले डेवलप नहीं होता है न्यूबॉर्न का कोई माइंड नहीं होता उसके पास बस एक ब्रेन होता है फिर सोशलाइजेशन होती है सोशल एक्टिविटीज़ वो रिलेशनशिप में एंटर करता है वो चीज़ें सीखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है हम बोलते हैं डायलेक्टिकली रिलेटेड रिलेटेड है सेल्फ और आपका माइंड जो है वो डायलेक्टिकली रिलेटेड है दैट मीन्स आपकी जो बॉडी है वो तब तक सेल्फ नहीं बनती है जब तक एक माइंड डेवलप होता है ठीक है बॉडी जो है आपकी इज नॉट अ सेल्फ जो बॉडी है becomes a self, when mind develops. Means, जो इंडिविजुअल जब पैदा होते हैं वो तब सेल्फ के साथ पैदा नहीं हुए होते ना क्योंकि तब आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है खुद के एक्शन को इवेलुएट करने की वो कब डेवलप हो जाएगा आपके अंदर जब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा ठीक है और साथ में हम ये भी बोल, बोलते हैं कि सेल्फ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंड सेल्फ इज माइंडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंड ठीक है तो एक तो वो बॉडी तब तक सेल्फ नहीं बनती है जब तक एक माइंड डेवलप नहीं होता है और सेल्फ जो है वो एसेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ माइंड के लिए ठीक है आपके जब माइंड डेवलप होगा उसके लिए एक सेल्फ होना आपके लिए एसेंशियल है ऐसा नहीं होता सोसाइटी में अगर कोई गलत बात अगर फिर से हम आर्ग्यू की एग्जाम्पल ले लें तो हम बोलते हैं अगर वो आर्ग्यू करे जा रहा है करे जा रहा है दैट मीन्स उसमें वो सेल्फ डेवलप नहीं हुआ है फाइन तो सेल्फ डेवलप नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोलते हैं ना कि इस बंदे में तो दिमाग ही नहीं है तो एक सेल्फ होना असेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंड दैट मीन्स वो एबिलिटी जो आपको ये ऑब्जर्व करवाएगी खुद को ऑब्जेक्टिवली वो एबिलिटी जिससे आप अपने एक्शंस को जो है इवेलुएट कर पाओगे वो एसेंशियल है माइंड के डेवलप होने के लिए अगर आप में ये सेल्फ नहीं होगा तो आप में माइंड की डेवलपमेंट नहीं होगी क्योंकि ये सेंटेंस हम बोलते हैं अपने बार बार भी अपनी लाइफ में यूज करते हैं अगर कोई बंदा ऐसी कोई चीज करेगा जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम बोलते हैं इसका तो दिमाग ही नहीं है ये वही स्टेटमेंट से ये आपको यही एक्सप्लेन कर रही है कि सेल्फ और माइंड जो है आपस में रिलेटेड है द जनरल मेकनिजम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इज रिफ्लेक्सिविटी वो मैंने कहा एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ अनकॉन्शियसली इन टू अदर्स प्लेस एंड एक्ट एज दे एक्ट खुद को सोसाइटी के उसमें ढालना ठीक है सोसाइटी आप पे कैसे बिहेव से क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है अकॉर्डिंगली बिहेव करना अब ये जो सेल्फ है ऑरिजिन कैसे होता है उसकी इन्हें दो स्टेजेस बताई थी प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज ठीक है ये यहाँ पे देखते हैं प्ले स्टेज में क्या होता है इंसान जब छोटा होता है बच्चे की बात हो रही है पहली स्टेज उसकी लाइफ में प्ले स्टेज आती है तो वो इमिटेट करता है उस टाइम पे वो इमिटेट करता है एक्शंस ऑफ एल्डर्स वो एल्डर्स कौन से होते हैं जो उसके बहुत क्लोज होते हैं उनको हम पर्टिकुलर अदर्स बोलते हैं पर्टिकुलर अदर्स और डिस्क्रीट अदर्स वो वो लोग होते हैं जो आपकी सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं जिसमें आपके मॉम डैड इमीडिएट क्लोज़ वन आते हैं या अगर आपके दादा दादी साथ में रहते हैं तो आपने देखा होगा बच्चों में ये बिहेवियर ऑब्जर्व करना वो बड़ों को इमिटेट करते हैं जैसे मम्मा जैसे बात कर रही है वो वो करने की कोशिश करते हैं अगर आप कोई टेम्पल जा रहे हैं या जैसे पूजा करते हैं आरती की थाली उठा के तो बच्चे भी थोड़ा एक्शन इमिटेट करते हैं आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बच्चे आके वैसे ही वो एक्शन करना शुरू हो जाते हैं जो आप कर रहे होंगे तो उसमें उनका लिमिटेड सेल्फ डेवलप हो रहा होता है अभी कंप्लीट सेल्फ डेवलप नहीं हुआ

अब वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू हो जाता है जिससे उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी सोसाइटी में तो पूरी कम्युनिटी जो है उसको एक टर्मिनोलॉजी से डिटर्मिन किया है वो है आपका जनरलाइज अदर तो यहाँ पे उसका जो सेल्फ है वो फुली डेवलप हो जाता है क्योंकि अब वो कैसे बिहेव करेगा वो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू करेगा जिस तरीके से सोसाइटी उसको देखना चाहती है वो खुद को उस चीज में डालना शुरू करेगा तो उसको हम बोलते हैं गेम स्टेज ठीक है अब जो सेल्फ है उसके दो फेजेस होते हैं एक फेज उसका आई है एंड एक फेज उसका मी है एक सेकेंड यहाँ पे मैंने हाँ डायग्राम आगे देखेंगे आई एंड मी तो आई क्या होता है बेसिकली इंसान का दो फेजेस में बात की है आई एंड मी में

आपकी जो मर्जी आएगी आप वो करना चाहते हो जो मी पार्ट आपका होता है वो वो वाला पार्ट होता है जो कन्फर्म करता है टू तो द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ तो सोसाइटी जो कन्फर्मेटिव होता है ठीक है जो एक सोसाइटी का एक डिसेंट मेंबर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है कि सोसाइटी आपसे क्या चाहती है आप वैसे बन जाते हो इसमें जो आप खुद होते हो आप वो रिप्रेजेंट करते हो और इसमें आपको वैलिडेशन चाहिए होती है सोसाइटी की

के बाकी जो मेंबर्स होते हैं आपकी कम्युनिटी एट लार्ज ये इनकेल्कुलेबल होता है अनप्रडिक्टेबल होता है क्रिएटिव होता है मी जो है कन्वेंशनल एंड हैबिचुअल होता है क्योंकि मी क्या है ये आपका बेसिकली सोसाइटी का मेंबर है जो प्रॉपरली सोसाइटी ने जिसकी सोशलाइजेशन की है तो जो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो वैसे ही बिहेव करता है ठीक है वो उन्हीं रास्तों पे चलेगा वी आर नेवर टोटली अवेयर ऑफ आई एंड वी नो दट आई वी नो द आई दिन कैरिड आउट कभी हमें बोलते हैं हमें खुद भी नहीं पता था हम ऐसे रिएक्ट करेंगे कोई न्यूज सुन के हमें इतना गुस्सा आ जाता है तो सामने वाले को हो सकता है गुस्से में थप्पड़ भी मारे हमें ये पता नहीं होता अपना ये साइड ये हमें कब पता चलता है जब ऐसा कोई इवेंट होता है और हम एकदम से कोई एक्शन करते हैं लेकिन मी में हम कॉन्शियस होते हैं अगर हमें कोई बात बुरी भी लगी लेकिन हम किसी सोशल गैदरिंग में है हमें पता है वहां पर हमारा मी हाई होगा हमें पता है नहीं हमसे कैसे क्ट किया जाता है हमें कैसे बिहेव करना चाहिए ये चेंज को इनिशिएट करता है ये स्टेटस को को प्रमोट करता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यू सेटअप हो गए हैं अकॉर्डिंगली चलो ये स्टोर हाउस ऑफ नोवल्टी एंड क्रिएटिविटी है और ये स्टोर हाउस ऑफ कंफर्मिटी है क्योंकि कन्फर्म करता है टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज अब ये डायग्राम आप देखो एक जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ब्रेन तो होता है अभी माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है तो उसमें उस टाइम पे कोई सेल्फ नहीं होता है प्ले स्टेज में वो डिस्क्रीट अदर्स को इमिटेट करना शुरू करता है उनका बिहेवियर लर्न करना शुरू करता है उसका थोड़ा लिमिटेड सेल्फ डेवलप होना उसकी कंडीशनिंग थोड़ा सा स्टार, होना स्टार्ट हो जाती है गेम स्टेज में क्या करता है वो लर्न करता है एटीट्यूड ऑफ जनरलाइज अदर्स अब वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा जिसमें सिग्निफिकेंट सिंबल्स वोकल जेस्टर्स उसके काम आते हैं यहाँ पे खेल रहा है ऑर्गेनाइज है घूम रहा है बातचीत कर रहा है ठीक है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मेम्बर्स के वो फॉलो करना शुरू कर देता है और यहां पे उसका फुली सेल्फ डेवलप हो जाता है अब इस सेल्फ के अंदर उसके दो फेजेस होते हैं एक उसका आई होता है एक उसका मी होता है ठीक है तो ये है मीड का कॉन्सेप्ट आई एंड मी का एंड मैंने कहा प्रेगमेटिज्मिक लॉजिकल अप्रोच होती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्शन जो है उन पे फोकस करते हैं एंड हर्म्योनेटिक्स मींस वो इंटरप्रिट uh, करते हैं मीनिंग को कि मीनिंग को समझो एक लर्न बिहेवियर को समझने पे फोकस करते हैं इंटरप्रिटेशन या मीनिंग जो भी इंडिविजुअल्स ने दिए होते हैं उनको समझो द मोस्ट प्रमेटिव यूनिट इन द मीट्स थियोरी इज द सोशल एक्ट ठीक है सोशल एक्ट के अभी ने चार स्टेजेस जो है आइडेंटिफाई किए थे पहला है इम्पल्स परसेप्शन मैनिपुलेशन एंड कंस्यूमेशन इसको आ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ पहले इम्पल्स क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्यास लगी है फीलिंग थर्स्टी तो जो फीलिंग ऑफ थर्स्ट है वो एकदम से वो इम्पल्सली आप में फीलिंग आ जाएगी कि मुझे प्यास लगी है वो आपकी पहली स्टेज आ गई सेकेंड स्टेज है अगर आपने कोई वेल well देखा ठीक है आपने कोई वाटर वेल well देखा अब आपको इसका सोल्यूशन पता है मुझे क्या करना है मुझे वहां वेल के पास जाना है और मुझे पानी पीना है तो वो आपका एक परसेप्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है आप थोड़ा सोल्यूशन देखते हो कि मुझे क्या करना है फिर थर्ड स्टेज यहाँ पे लिखते हैं थर्ड स्टेज में मैनिपुलेशन आप क्या करते हो आप सोचते हो क्या मुझे उस वेल से पानी पीना चाहिए या मैं किसी शॉप पे जाके पानी जो है वो पानी की बॉटल खरीदूं तो जो भी ऑप्शन है उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है उनपे आप फोकस करना उनको इवैल्यूएट करना मैनिपुलेट करना शुरू करते हो फोर्थ इज जो भी आपने आप सोल्यूशन बेस्ट समझा आप वो यूज करते हो एंड आप क्या करते हो अपनी प्याज बुझाते हो यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर

जिसमें आप उस एक्ट को एंड कर देते हो जो फीलिंग इम्पल्स ने जनरेट की थी उसको आप खत्म कर देते हो कन्फ्यूमेशन में ठीक है तो ये फोर स्टेजेस हो गई ये ये हो गया ये हाँ खत्म यही मीड के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके इनकी ज़्यादा बुक्स नहीं है इनकी कम यही तीन चार बुक्स आई गेस इन जो थी या इंपॉर्टेंट वर्क्स जो थे इन्होंने लिखे थे एक माइंड सेल्फ सोसाइटी मूवमेंट्स ऑफ थॉट इन नाइनटीन सेंचुरी एसेज इन सोशल साइकोलॉजी ठीक है तो ये आपका मीट कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बबाई टेक के हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू हैव अ ग्रेट डे